हर बुराई पर होगा, ये न्यूज का सीधा वार। आप देख रहे हैं ये न्यूज, खबर आप तक। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हर फील्ड से एक महिला, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो कवित्री हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो, चाहे वो कुछ और। देश इतना आगे जा चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है, महिलाओं की आज इस स्थिति को देखकर एक बात कहने का जी करता है कि एक बार एक मुद्दत मैंने अपनी माँ से कहा था, मेरी माँ सोई नहीं थी। एक बार एक मुद्दत मेरी माँ सोई नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मुझे डर लगता, एक महिला घर के साथ साथ बाहर भी उतने बैलेंसिंग फॉर्म में अपने आप को साबित करती आई है। इस चीज का उदाहरण आज इस पैनल को देखकर लगाया जा सकता है कि इस पैनल में मेल से ज्यादा फीमेल। शहीद स्मारक पार्क में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सबसे पहले मैं बहन दिव्या त्यागी जी और कुशाल जैन जी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम, काम तो इन्होंने कुछ दिन पहले ही शुरू कर दिया था, बट एक इस दिन को चुनना। और मैं अभी यही कह रहा था कि नारी शक्ति की हम आज बात करें तो आज के दिन नारी शक्ति के रूप में सबसे बड़ा उदाहरण हम सबके बीच में सभी माताओं बहनों को तो सम्मान है, पर दिव्या त्यागी जी एक हम खुद तक देख सकते हैं प्रैक्टिकल उदाहरण है। जिन्होंने जो एक मीडिया चैनल लॉन्च की पत्नी, और मैं नमन करता हूँ यहाँ बैठी हुई मेरी सभी माताओं को जो अनेक क्षेत्रों में पूरा भारत यहाँ बैठा हुआ है, इन माताओं के रूप में जो प्रतिभाओं से भरी हुई है, यही भारत है। आज भारत का सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो ये वास्तव में सशक्तिकरण के रूप में मेरी माताएं बैठी हुई। भारत कोई माने गुलाम मानसिकता से पीड़ित नहीं है। और भानु जी मेरे प्रिय मित्र और यशस्वी यहाँ के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं और साथ में मेरी दीदी बैठी हैं, उनकी अर्धांगनी। नारी शक्ति, शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं, वो अलग नहीं है। हमारी माने गुलाम मानसिकता नहीं है, हमारे तो भगवान भी आदि शक्ति में है, तो हम रूढ़िवादी कैसे हो सकते हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है। गीत फातिमा, तभी मैं जब बहुत छोटी थी, नाबालिगी थी, तो मैं रोज की तरह अपने स्कूल से वापस आ रही थी, तो एक बच्ची थी समथिंग 6-7 साल की थी, तो थोड़ा दूर था वो जा रही थी, दूरी पे थी, तो वो चिल्लाने लगी कि दीदी बचाओ, दीदी बचाओ। तो मुझे तो यही नहीं पता कि कौन आवाज दे रहा है कैसे, जब मैंने पलट के देखा उसे तो वो दो बाइक सवार थे, उस बच्ची को बिठा कर ले जा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने अपना बैग उसके हेलमेट जो पहना था उस पर मार दिया। तो आभार व्यक्त करती हूँ और नारी की जो वर्तमान स्थिति पे यहाँ टॉपिक पे चर्चा हो रही है उस पर मैं कहना चाहूंगी कि पहले से कुछ स्थितियाँ सुधरी हैं लेकिन ज्यादा नहीं, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। सबसे पहले ये है कि हमें खुद को उठाना है, अपनी रोल अपने हाथ में लेनी है, हमें समाज परिवार इन लोगों को ज्यादा नहीं देखना, हम खुद करेंगे तो ये सबसे पहले मैं आपको त्यागी जी को और इस चैनल को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है और सबको हमने भी आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी गेस्ट को, सभी लोगों को यहाँ पर महिला दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई। मैंने यहाँ पर सभी की बातें सुनी और बहुत से निष्कर्ष पहले निकल चुके हैं, लेकिन मैं भी ये बात जुड़ी की मानती हूँ कि जो कोई भी घटना अगर होती है उस पे हम उस महिला दिवस पर सबको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, सुबह से
काफी कार्यक्रमों का मैं भागीदारी रही मेरी, पर यहाँ आके सबसे अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी अच्छी डिबेट और इतने अच्छे वक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, मैं आज जितने यहाँ पे वक्ता बैठे, सशक्त बहनें बैठी हुई हैं, मैं एक सवाल उनसे सबसे पहले ये करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ क्यों हो? बाहर वाले कोई नंबर नहीं लगा है। बिल्कुल, झिझकने का कारण क्या है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात घटना घटती है, तो हमारी माताएं बहनें हमारी बच्चियां घर पे कहने में कोई बात संकोच करती हैं, हमें सबसे पहले उस चीज को खत्म करना होगा। घर में उनके साथ एक ऐसा फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, अगर बाहर कोई गली में, अगर रोड पे, कॉलेज में अगर कोई बात होती है तो वो पूरे दमदारी के साथ आके कहे कि हमारे साथ ये घटना घटी, और घर के लोग उस पर ये प्रतिक्रिया न दें। और उनके संग बैठने के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि, और प्लस महिला दिवस पे अपने विचार रखने के लिए मुझे बुलाया गया है। ये इसके लिए मैं टीवी चैनल, जो आपका चैनल है, उसको बधाई दूंगा। जैसे कि बहुत बड़ी बात आप अभी आपने बात कही कि जब तक आप हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक समाज ही बदल सकता है। अभी जैसे सर ने कहा कि हमें आज़ादी देनी चाहिए, आज़ादी सिर्फ बोलने से नहीं आती, आज़ादी अंदर से निकल के आती है। जिस जगह पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, एक पाठशाला में हम आज यहाँ पर जितनी भी लेडीज देख रहे हैं, ये एक अलग एक फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो एक देखा जाए तो वो आगरा का या आगरा का देश का चेहरा नहीं है। देश का चेहरा आपको देखना है तो वो ये चेहरा नहीं है। हम इसी को जलाई मेरे साथियों को मेरा नमस्कार और सभी को शुभकामनाएं। महिलाएं क्योंकि किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, बिल्कुल वो सभी को सशक्त बना रही हैं, लेकिन शुभकामनाएं किसी दिन में इतनी शुभकामनाएं देना तो बनता है। जैसा कि मनीष जी ने कहा, मैं अभी आपको इसकी जनवरी की घटना बताती हूँ, अवधपुरी थाना क्षेत्र की है। दो बहनें हैं और बैकुंठी देवी से अमिता त्रिपाठी जी के अंडर में वो पढ़ रही हूँ। पाइपों से पीटा गया, फैमिली वालों ने पाइपों से पीटा, और किस बेस पे कि बड़ी बहन के देवर से शादी, क्योंकि लॉकडाउन ने हमें यहाँ मंच पर बुलाकर सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चर्चा परिचर्चा की अगर बात करें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत आपका मकसद है और सही है। जैसा कि अभी मेरी बहन ने बोला, बहुत ज़्यादा यातनाएँ हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं आज भी। हम करती हूँ आपके इस चैनल का कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। आपने जैसा कहा कि हर परेशानी का की जो जड़ है वो हमारे संस्कारों की ओर मुड़ती है। अगर वहाँ संस्कारों के साथ शिक्षा और दीक्षा दी जाएगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और उस दिशा में कार्य हो रहा है। मेरी बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर रेणुका डंग जी बैठी है, इस दिशा में बहुत सारे कार्य आप कर रही है, तो वो बदलाव धीमे धीमे दिखेगा, लेकिन दिखेगा अगर संस्कारों की बात की जाए। और संस्कार हमें बेटियों को देने हैं, लेकिन साथ साथ हमें बेटों को भी बताना है। आपने जिस आपने रचना की बात की, तो चिराग जैन जी ने एक पंक्ति कही थी, एक पंक्ति की एक कविता कही थी। उन्होंने ये कहा कि मेरे पिता ने मुझे बचपन में गुड़ियों इस विषय पे हमने एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया था, और विशेष रूप से जैसे एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एक बड़ा मुद्दा है, तो उसमें बहुत सारे एनजीओस ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और उन्होंने बच्चों को न सिर्फ गाइडेंस दी बल्कि उन्हें नेसेसरी चीज़ें भी उपलब्ध कराई। इसके अलावा और जो बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने खूबसूरत शाम का आयोजन किया। यहाँ उपस्थित सभी बहनों को शक्ति पर्व की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मेरे ख्याल से तो जीवन का हर क्षण महिला दिवस है, क्योंकि परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरी सृष्टि का केंद्र बिंदु मेरे ख्याल से महिला ही, स्त्री ही है। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला पिछले दिनों, अभी कल परसों ही, काफी विरोध मेरा भी हुआ, मुझसे भी हुआ उन लोगों का, कि मदरहुड इज नॉट डिवाइन, इट्स अ वेरी हार्ड वर्क। पश्चिम से प्रभावित कुछ यूं ही एक कविता के माध्यम से बताऊंगी। यहाँ पर हर क्षेत्र की महिला उपस्थित है, तो उन्हीं के लिए मेरी चार पंक्तियाँ। कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियाँ, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियाँ। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियाँ।
वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा दे, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा दे, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। पर सवाल ये है कि अभी सबसे पहले तो मेरे तरफ से इंटरनेशनल वुमेन डे आप सभी को शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना सुंदर कौशल लेकर के आप लोग हमारे बीच में आए। रही बात मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार की लोहा तो आज हमारा देश ही नहीं विदेश भी मांग रहा है कि उनके नीतियाँ किस तरह से हैं। महिलाओं को लेकर के उन्होंने जिस तरह से योजनाएं चलाई हैं उनका कोई भी तोड़ नहीं है। एक महिलाओं के लिए अच्छी सोच रखने वाले मुझे लगता है कि ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने इतने सुंदर और इतने प्रभावशाली योजनाएं तो लागू होती ही रहती हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, पर बात आती है उस नेटवर्क की, उस चैनल की, जिसके द्वारा उसे लागू कराया गया है। जी मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इसमें कोई कमी आ रही है। जिंदल दिव्या का स्वागत करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझको अवसर दिया, यहाँ बुलाया और अवसर दिया। अभी रुचि जी ने कहा कि हमें बेटों को भी संस्कार देने चाहिए और बेटियों को भी संस्कार देने चाहिए। मेरा मानना है कि बेटों को ज़्यादा संस्कार देने चाहिए। बेटों को एक्टिवा करा देते हैं, ट्यूशंस करा देते हैं, तब भी उनके रिजल्ट्स फेल के आते हैं। बेटियां घर में बैठकर पढ़ लेती हैं फिर भी वो टॉपर बन जाती हैं। हम माएँ सबसे ज़्यादा इसको अंतर करती हैं। जैसा अभी हमारी स्पोर्ट्स टीचर हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेज पर आगे जाते हैं और एक काइंड ऑफ लॉन्चिंग हमारे इस नए चैनल ये न्यूज़ खबर आप तक। हर जुर्म हर बुराई पर होगा ये न्यूज़ का सीधा वार। मैं दिव्या त्यागी एक बार फिर अ वार्म वेलकम टू दिस चैनल ये न्यूज़ खबर आप। रेणुका दल मैम, वेयर आर यू मैम? ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ ये न्यूज़ खबर आप तक प्लीज कम ऑन द स्टेज। धन्यवाद करती हूँ और ये न्यूज खबर आप तक परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है।